विशेषताएं हैं। इसलिए हम इसे महान पर्व की उपाधि कहते हैं कि छठ का महान पर्व। आइए गंगा नमः।
खूबसूरत सा माहौल है। आइए और पुनः और एउटा भजन राखिदिनुको लागि म मनजीत कौर जीलाई पुनः अनुरोध गर्छु। पुनः एउटा भजन पछाडी बुढी गंगा डांस सेंटर को प्रस्तुति रहने यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। आफ्नो गीत रेडी गरिदिनुको लागि बुढी गंगा डांस सेंटर का कलाकार भाई बहनहरूलाई म अनुरोध गर्दछु। क्या बात है, आइए चूंकि माहौल की नजाकत को देखते हुए आइए बहुत भजनों की फरमाइश है, धीरे धीरे मैं सभी भजनों को सुनाऊंगी। आइए एक भजन के बाद झूमने नाचने की ओर चलूंगी। आइए बोल छठ मैया की, बोली सच्चे दरबार की। क्या बात है, आइए निर्धन नेपाल में इस महापर्व को बहुत ही धूमधाम से हम मनाते हैं क्या, और जिनके हाथ खाली हो तालियों के साथ बोलेंगे क्या कि महिमा छठ मैया के अपार ई जहां जाला
पुनः फिर यहां कार्यक्रम तपाईको माझमा राख्दै गर्छु। अब हम पुनः भजन तीर जाने
थोड़ा मुझे भी वोकल सुनाओ, खास एक लाइन पब्लिक की तरफ भी आप रखो, एक बार तालियों के साथ जितने इधर ऑडियंस है, 1 2 3 4 हो जा सारा बंधन तोड़ के अजनबी।
और वाकई बहुत ही भव्य दरबार है। मैं समझती हूँ कि ये टेलीकास्ट नेपाल में नहीं पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। एक बार ताली बजा लीजिए। ऐसा दृश्य नजर नहीं आता कहीं पे। मैं मुझे लगता है मैं 15 साल के करियर में दूसरी बार ये इस तरह का दरबार सजावट मैं देख रही हूँ। आप सबों का धन्यवाद है। एक बार कमेटी के मेंबर्स के लिए जोरदार तालियों का आशीर्वाद चाहूंगी कि बड़ा खूबसूरत ये भव्य आयोजन। लेकिन जितने भी कमेटी के सदस्य हैं ये भी थक जाते होंगे, थक गए होंगे। एक बार थोड़ी सी तो झूमना नाचना होना चाहिए ना। जितने भी कमेटी के सदस्य हैं एक बार दोनों हाथ उठा लीजिए। जो कमेटी के सदस्य हैं एक बार अपने लिए हाथ उठा लो। आप सबों ने बड़ा मेहनत किया। एक बार जरा दोनों हाथ उठा के ताली बजाएंगे कि तू मेरा पे खाना बापू जरी ना के बढ़िया चलिए भैया। तू मेरा पे खाना बापू जरी ना के बढ़िया बोलिए भैया के बढ़िया बोलिए भैया के बढ़िया बोलिए भैया।
उनकर मिली घरवाली माधुरी दीक्षित की जी सर। सही बात बता रहे हैं। कहते हैं तालियों का बड़ा ही महत्व होता है, इसे जरा सोच समझ के बजाना है ना। और ताली बजाने से बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा मैं बता दूं, आसपास अगर कोई मच्छर होगा तो भाग जाएगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा थकावट होगी वो भी भाग जाएगा। तीसरा फायदा छठ मैया का गुणगान हो जाएगा, हाथ का रेखा भी बदल जाएगा। क्या बात है।
और इनके लिए फिर से तालियों का आशीर्वाद चाहोगे। और ये शब्द खास आपके लिए कि कई के तो हरी हो पूजनमा मैया सब सुख पई बोला, कई के तो हरी हो पूजनमा मैया सब सुख पई बोला, कई के तो हरी हो पूजनमा। अच्छा भैया आप ऐसे खड़े रहिए, आप यहाँ जाइए एक बार, ठीक है ठीक है, इनके बीच में आप भी शामिल, यहाँ तो आने कम से कम ताली तो बजा लीजिए, ऊपर की व्यवस्था भी लगे हुए हैं कि ताल से ताल मिला संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करें। तो आइए हम लोग फिर भजन की ओर चलते हैं और बड़ा ही सुंदर भजन लेके हमारे बिहार के ख्याति प्राप्त, जो कि नाम कहने से थोड़ा डर लगता है, आइए उसी तरह पुरस्कार के क्रम में 251 रुपये का भाई 251 रुपये का नगद पुरस्कार मिला है प्रदीप अर्जुन भाई जी के तरफ से। तो आइए पुनः हम लोग भजन की ओर चलते हैं और भजन लेके आ रहे हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री लालू जी। कृपया आप लोग डरे नहीं, लालू जी अंदर है, उनका दूसरा रूप लालू जी आपकी इस मंच पे बता रहे हैं। हमारे लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री लालू जी। चलिए एक भजन होने दीजिए, इसके बाद लालू जी मैं माहौल बना देती हूँ।
एक भजन के बाद हमारे बीच लालू जी, एक भजन के बाद आइए। Yeah.
ये छठ का महापर्व जरासाई के मुखड़ा सजा दो घर को गुलशन सा सजा दो घर सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए और इस बीच मैं अपने इष्ट देवता को बनाता हूँ पियो रस राम पियो रस राम पियो रस राम का साकी चुका दो कहते हैं ये जीवन बस चार दिन की है इसी में बहुत सारे धोखा फरेब झूठ चोरी नशा सब कुछ करते हैं लेकिन एक ना एक दिन परमात्मा के घर जाना है उतारो भार अब सर से उतारो भार उतारो भार रस राम का साथी
प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पहले सत्र का कार्यक्रम का यह अंतिम भजन है, दूसरा सत्र भी चालू होगा। तो आइए लालू जी तैयार हो जाए। क्या बात है, क्या बात है।
मित्र मंडल है। बड़ा ही सुंदर प्यारा भजन
धन्यवाद। आइए इस भजन पे खुश होकर के हमारे अभी किशोर पौडेल जी 110 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किए हैं। छठी मैया उनकी संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करें। तो आइए हमें वादा अनुकूल काम तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा देर लंच ब्रेक